और जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक दे रखा है अब उसको क्या किया जाता है मूव अवे किया जाता है वाइब्रेटिंग वायर से कॉन्स्टेंट विद दी कॉन्सटेंट स्पीड और एक ऑब्जर्वर स्टैंड कर रहा है सोनोमीटर वायर के पास वो हियर करता है वन बीट्स पर सेकेंड तो निकालना है कि कैलकुलेट द दीड विथ वि ट्यूनिंग फोक इज़ मूव इफ स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो सबसे पहले तो हम सोनोमीटर वायर देखते हैं कि जो एक सोनोमीटर वायर होता है उस वो होता है कि क्लोज एट बोथ एंड्स क्लोज एट बोथ एंड्स तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई वो कितनी हुई वी बाय ट्वाइस ऑफ एल और जो वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो टेंशन और उसकी मास डेंसिटी के साथ रिलेशन होता है वन बाय ट्वाइस ऑफ एल तो टेंशन हमें दे रही थी सिक्सटी फोर अब मास डेंसिटी मास मास म्यू क्या है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ तो मास वन ग्राम है जिसको हमने के में कन्वर्ट कर लिया टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय अब लेंथ तो लेंथ को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो टेन टू दावर माइनस वन इंटू वन बाय ट्वाइस इंटू टेन सेंटीमीटर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यहाँ से आई फोर हर्ज तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये कह रहा था कि सोनोमीटर वायर उस ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस में है तो ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी इनिशियल इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी वो आ रही थी 400 हंड्रेड हर्ज तो ये मान लेते हैं कुछ सोनोमीटर वायर है जिसके पास एक ऑब्जर्वर खड़ा है और एक ये मान लेते हैं ट्यूनिंग फोक जो कि कुछ स्पीड से अवेज जा रहा है फ्रॉम दी सोनोमीटर वायर तो जो सोनोमीटर वायर और कहता है कि जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है अब वो आती है वन हर्ट्ज तो जो एफ़ डैश की वैल्यू निकालते हैं ऑब्जर्वर को इस ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देती है वो होगी एफ़ डैश उसकी वैल्यू होगी एफ़ इंटू न्यूमिनेटर में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड साउंड ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा और जो साउंड नीचे डिनोमिनेटर में रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड साउंड जो हमारा सोर्स है वो ट्यूनिंग फॉक है वो हमारे साउंड की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो नीचे आएगा वी एस प्लस कुछ वी मीटर से चल रहा होगा तो अब निकालते हैं तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि एफ़ माइनस एफ डैश की वैल्यू वन है बीट फ्रिक्वेंसी तो उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं तो एफ माइनस एफ इंटू वी एस बाय वी एस प्लस वी इक्वल्स टू वन दे रखा है टेकिंग एफ कॉमन तो वी एस प्लस वी माइनस वी एस बाय वी एस प्लस वी इसकी वैल्यू आ गई वन अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाली थी क्वेश्चन में आई थी फोर हंड्रेड वी एस की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड हमें दे रखी है वो है थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सो थ्री हंड्रेड प्लस वी माइनस थ्री हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड प्लस वी इक्वल्स टू वन तो यहाँ से आता है कि 400 हंड्रेड वी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड प्लस वी और यहाँ से आता है कि 399 नाइन्टी नाइन वी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आई वो आई थ्री हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन इक्वल्स टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर पर सेकेंड तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई